अब ये जो मगर है, आपको लगता होगा कि ये स्टैचू है, किंतु ये स्टैचू नहीं है, ये ओरिजिनल क्रोकोडाइल है, मगर है। अपना मुंह फाड़ के ऐसे खड़ा हुआ, ऐसा बैठा हुआ है। शायद ये जो है, लगता है उसे कुछ खाने को मिल जाएगा। दोस्त, तुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है। देखिए उसका जबड़ा, देखिए। कभी आपने ऐसा जबड़ा खोलते हुए ऐसे मगर को कभी देखा है क्या? ऐसा जबड़ा खोलते हुए मगर को कितना प्यारा लगता है, उसका जो जबड़ा है। देखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे स्टैचू हो, ऐसे स्टेडी कंडीशन में खड़ा है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होते हैं ऐसी अवस्था में। देखो उसका जो मुंह है, सांसों की तरह से फूलता हुआ, शायद कुछ खाने के लिए तरस रहा है। खैर, मुझे तो ये देखकर बहुत अच्छा लगा। उसका जो माइंड ब्लोइंग व्यूज है, दैट्स अमेजिंग। अब ये मगर है, ये कौवे का शिकार करने की फिराक में है। अब लगता है उसने गिव अप कर दिया, क्योंकि वो अभी जा रहा है पानी की ओर। पानी उसके पीछू भी में ही है, तो ऐसे मगर पानी में सेच कर रहा है। और सबसे बड़ी मोस्ट तो ये कौवे को पड़ गई है। ये कौवे ने किसी लोमड़ी का शिकार किया है। एक, दो, तीन, चार, बहुत तादाद में मगर यहाँ पर है। इंटरेस्टिंग। अब ये जो आपको दिखाई दे रहे है वो है कछुए। दो कछुए वहां पर है, मीठे पानी के कछुए हैं। ये जनरली 100 से ज़्यादा साल जीते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि वो अपनी सांसें जो है वो बहुत ही कम कर देते हैं, तो उसके चलते उसकी ऑक्सीजन की मात्रा, कंजप्शन मात्रा बहुत ही कम रहती है, तो उसका आयुष्य भी वैसे ही बहुत लंबा हो जाता है। फिर ये क्या है? ये है साहुरी। मुझे तो दिखाई ही नहीं दे रही है। यहाँ सर्दी के मारे ये सिकुड़ कर बैठी हुई है। देखिए ये जो आपको अंदर दिखाई दे रही है वो है साहुरी। एक, दो, तीन, चार, चार सावड़ी दिखाई दे रही, सर्दी के मारे सिकुड़ कर बैठी हुई है। हाँ, सर्दी ने सबका हाल ही है, सब